abduction. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 11वां के स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। लड़के ने बच्ची को अगवा करने के बाद पड़ोसी के फोन पर कॉल कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिवार से मिली सूचना के बाद पुलिस अलर्ट तो हुई, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाई, क्योंकि इससे पहले ही किडनैपर बच्ची को पानी में डुबोकर मार चुका था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को कूलर में छिपा दिया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव बोहों में रहने वाली वैष्णवी सिसिल कॉन्वेंट स्कूल में UKG की स्टूडेंट थी। बुधवार शाम वह अपने चाचा विनय सूद को चाय देने गई थी। इसके बाद वह खेलने चली गई। इसी दौरान उसको किडनैप कर लिया गया। शाम 6 बजे तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। वैष्णवी के पिता अमित सूद ने पुलिस को सूचित भी किया। शाम 7 बजे अमित सूद के पड़ोसी के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसने फोन पर अमित की बेटी वैष्णवी को छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पड़ोसी ने इस बात की जानकारी अमित को दी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि वैष्णवी के अगवा करने के बाद हत्या की साजिश कैंट के ही एक नामी एडेड स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने रची है। यह सब छात्र ने क्यों और किस लिए किया, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। SP ने बताया कि किडनैपिंग के बाद फिरौती का कॉल आते ही पुलिस अलर्ट हो गई थी, तमाम जगह नाकाबंदी कर दी थी। सभी स्पेशल टीम और DSP रैंक के अधिकारी किडनैपर्स का पीछा कर रहे थे, क्योंकि नंबर UP का था, इसलिए पुलिस देर रात तक साइबर सेल की मदद से ट्रैक करने में जुटी रही। आखिर में पुलिस जब उस नंबर तक पहुंची तो उन्हें किडनैपर मिल गया। अफसोस इस बात का है कि वे बच्ची को पानी में डुबोकर मार चुका था और उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए बच्ची के शव को कूलर में छिपा दिया था। मामले में और कौन लोग शामिल हैं, इसे लेकर जांच चल रही है। छात्र की इस हरकत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, वह भी इसलिए क्योंकि 15 से 16 साल का एक युवक सरे बाजार से एक छात्रा को अगवा करके ले जाता है और आस पड़ोस सहित तमाम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। 4 घंटे के बाद पुलिस अलर्ट होती है और बच्ची को तलाशना शुरू करती है, वह भी तब जब यही युवक यूपी के एक नंबर से कॉल करके परिवार से फिरौती की मांग करता है। पुलिस उस कॉल के बाद उस नंबर के पीछे तो लगती है, लेकिन यह समझना जरूरी नहीं समझती कि आखिर किडनैपर के पास अमित सूद के पड़ोसी का नंबर कहां से आया और उसने अमित को फोन करने की बजाय पड़ोसी को फोन करना जरूरी क्यों समझा, क्योंकि वह युवक चालाक है और पूरी साजिश रच चुका था। सूचना मिलते ही आनंद फानन में उस नंबर का पीछा करती है और अम्बाला सहित मुनानगर तक तमाम नाकों को सील कर देती है। बावजूद इसके पुलिस रात 12:30 बजे तक बच्ची को तलाशने में फेल साबित होती है, जबकि किडनैपर अमित सूद के पड़ोस में ही बैठकर इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी साजिश को अंजाम देता है। सूचना के बाद पुलिस की दनदनाती जिप्सियों को देखकर किडनैपर यानी छात्र हड़बड़ा जाता है और कहीं बच्ची की आवाज सुनकर पुलिस उस तक पहुंच जाए, इसलिए पुलिस को गुमराह करने की हर संभव कोशिश करता है। जबकि वे बच्ची को शाम करीब 8 बजे ही बच्ची को मौत के घाट उतार चुका है। इस पूरी साजिश में वह 4 नंबर इस्तेमाल करता है, सभी नंबर यूपी के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा छात्र के पास एक लैपटॉप भी बरामद होता है।